अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ आसफा मस्कीन। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है उसका टाइटल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और वो पढ़ी थी यूनियन के लिए। आज हम इंटरसेक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी that A intersection B equal to B intersection A। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। आज हम इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी कर रहे हैं। आज हमने प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। एंड हम इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं और यूनियन के लिए। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन x belongs to B and x belongs to A। ठीक है, x belongs to B intersection A। Therefore, A and A intersection B is a subset and equal to B intersection A। इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम देते हैं। नाउ लेट y बिलोंग्स टू A B इंटरसेक्शन A। ओके स्टूडेंट, A इंटरसेक्शन B के लिए हमने y लेट किया, और A इंटरसेक्शन B के लिए हमने x, और B इंटरसेक्शन A के लिए y। y belongs to B and y belongs to A। y belongs to A and y belongs to B। y belongs to A intersection B, ठीक है, y belongs to A एंड की जगह इंटरसेक्शन और बी। देयरफॉर बी इंटरसेक्शन ए इज अ सबसेट एंड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। This is the equation number 2। Now from equation number 1 and equation number 2
वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. Hence, proved. By definition of equal sets, by definition of equal sets, hence proved A intersection B equal to B intersection A. ये था हमारा आज का प्रूव. हमने आज जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. हमारे पास थे कौन से दो सेट थे ए एंड बी, उसको हमने प्रूव किया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. ए इंटरसेक्शन बी को हमने एक्स जो है वो लेट किया है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए. फिर हमने इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को क्या किया है, कंपेरिजन किया है और उसको ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल प्रूव किया है. ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज का लेक्चर समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़.